वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम देखिए यहाँ पर इस तरह की स्प्रिंग क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें देखिए कुछ सरफेस के फीचर्स हमने यूज़ किए हैं, फिर इंटरसेक्शन कर्व की मदद से इस तरह का एक हेलिक्स शेप हमने क्रिएट करके ये स्प्रिंग डिज़ाइन की है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच यहाँ पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वाला सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसका ओरिजिन पॉइंट और सर्कल का मिड पॉइंट यहाँ पे कोसेंट्रिक कर देना है। अब इसका डायमीटर हमें अप्लाई करना है 48 mm और ओके करना है। सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब हमें फीचर में जाके यहाँ पे एक प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इसका फर्स्ट रेफरेंस फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इसकी हाइट रहेगी 80 mm। ओके, अब यहाँ पर एडिट, फिर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 90 mm और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। अब फिर से एक न्यू प्लेन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट रेफरेंस फ्रंट प्लेन और यहाँ पर इसकी साइज 90 mm बट फ्लिप साइड में हमें अप्लाई करनी है और ओके करना है। स्केच, अब यहाँ पर इसका डायमीटर हम सर्कल ड्रॉ करना है और इसकी साइज रहेगी 70 mm और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। इस प्लेन को भी हाइड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये तीन सर्कल हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे सरफेस फीचर में जाना है और यहाँ पर एक फीचर है लॉफ्टेड सरफेस, इस कमांड को एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पर फर्स्ट वाला सर्कल सिलेक्ट करना है, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला और फिर ओके करना है। तो देखिए इस तरह से एक शेप हमें यहाँ पे इस तरह का मिल गया है। अब हम यहाँ पर एक टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर देखिए इसमें मिड पॉइंट लाइन इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से डायरेक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसकी हाइट अप्लाई कर देते हैं 195 mm, 195 mm हमने इसकी हाइट अप्लाई की है। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है और फिर से टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी साइज रहेगी 60 mm हम इसकी लेंथ अप्लाई कर देते हैं इसमें और सिंपली इसे भी एग्जिट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब आपको सरफेस में जाना है, सरफेस टैब ओपन करना है। अब यहाँ पे स्विफ्ट सरफेस इसे एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर देखिए स्केच प्रोफाइल, तो हमें प्रोफाइल में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका पाथ वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए इसे, तो यहाँ पर प्रोफाइल ओरिएंटल में हमें फॉलो पाथ सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर प्रोफाइल ट्विस्ट में स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू और यहाँ पर ट्विस्ट कंट्रोल में रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं 15, यहां पे 15 हम इसके रेवोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं और सिंपली ओके कर देते हैं। अब देखिए इस तरह से हमारे पास दो फेस क्रिएट हो गई है, दो बॉडी हमारे पास सरफेस वाली दो बॉडी क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्केच वाले टैब में जाना है। स्केच वाले टैब में यहां पे देखिए कन्वर्ट एंटिटी वाला एक कमांड है, इसके ड्रॉप डाउन में जाना है आपको और यहां पर एक कमांड एक फीचर मिलेगा इंटरसेक्शन कर्व, इसे सिलेक्ट करना है
इसे ओपन कर देना है। अब यहाँ पर इस फेस को और यहाँ पर इस फेस को, इन दोनों बॉडी को सिलेक्ट कर देना है और सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये एक 3D स्केच यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और फिर इसे एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक डायरेक्ट एडिटिंग वाला टैब है, इसमें जाना है और यहाँ पर डिलीट कीप बॉडी इसे एक्टिवेट करना है। इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर डिलीट बॉडी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर फर्स्ट वाली बॉडी और यहाँ पर सेकंड वाली, इन दोनों बॉडी को सिलेक्ट कर देना है और सिंपली डिलीट कर देना है, ओके कर देना है। देखिए इस तरह से वो बॉडी डिलीट हो जाएगी और हमारे पास इस तरह की एक हेलिक्स लाइन आपके पास मिल जाएगी। आपको जो इंटरसेक्शन कर्व हमने अप्लाई किया था वो इस तरह का शेप हमें मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर फीचर में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद यहाँ पर स्विफ्ट बॉस बेस एक्टिवेट करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोफाइल एंड पाथ, तो हमें सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर इसकी साइज लिखनी है 8 mm और स्केच को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक स्प्रिंग क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पर ऊपर वाली जो फेस है इसे डिलीट करनी है, तो इसके लिए हम सरफेस में जाएंगे, कट विथ फीचर, फिर यहाँ पर जो प्लेन सिलेक्ट किए थे उस प्लेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक एरो की आ रही है डाउन में, तो हम इसे ऊपर की साइड में सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये ऊपर से ये ट्रिम हो गया है। तो इसी तरह फिर नीचे से भी हम इसे डिलीट कर देते हैं, फेस को कट कर देते हैं। तो अब दूसरा वाला जो प्लेन था उसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए ऑलरेडी डाउन साइड में है, और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये दोनों साइड में कट हो गई है। तो यहाँ इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड में इसकी फेस कट कर दी है। अब हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर स्टील में जाके यहाँ पे देखिए स्टील में हमें मेट स्टील यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के प्रोजेक्ट और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।